अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरे भरा की शादी है, ठीक है? हाँ जी, मेरे भाई की भरा उनको भी आज है, ठीक है? और मेहनत होने लगी है, कंध टूटेगी आज, यहाँ पे दरवाजा लगेगा उसके माम का। ये हमारे मामा जी हैं। हेलो मामा जी, किताब मैं तोड़ लिए हमारे दूल्हा जी को बुलाए। दूल्हा जी आ रहे हैं, दूल्हा जी इधर आ गए। ये इसका कमरा तैयार हो रहा है और ये सबूत है इसकी शादी का, मेरे YouTube पे इसके बच्चे भी देखेंगे फ्यूचर में, ठीक है? ये हमारे दूल्हा जी हैं। तो अब दीवार टूटेगी। सारी टिकानी है उस्मान भाई ने। दूल्हे के मामा जी ने इतना बड़ा सराह कर दिया। ओ मामा जी, मामा जी नहीं बोलते, वही गल असी मेहनत नाल कीतीयां तरक्कियां। बुड्ढे बारे भी मामा जवान है। की ब्याने ते थलो तोरो ना, ओ थलो तोरो। दूल्हा जी, आज दूल्हा जी ने मेहनत की है, कंध तोड़ के आए हैं। दूल्हा जी कैसे हैं? एनी पैगाम भाई? ब्याह अपनी अपनी शादी पे काम किया करो, सही? नहीं नहीं, ब्याह ना करायो, ए काम हुंदे ये हाल देखे। ये देखें, ये शादी, ये दूल्हा है। ये दूल्हे का भाई, ये देखो भाई, दूल्हे की, ये दूल्हे का भाई, देखो मजदूर इनकी भाई। वो देखो सबसे आगे जो लेटा हुआ वेला भाई, वेला भाई हमारा, वेला चरीन भाई। अभी दीवार बाकी है ना तोड़ना, थोड़ा उठो, तोड़ो जाके, उठो उठो। चलो बाकी दीवार भी तोड़नी है अभी, बाद मिलेंगे अगले अगले एपिसोड में। एपिसोड में नहीं, अगले। तो जनाब बात कुछ ऐसी है कि हम लोग निकले हैं दूल्हा जी के साथ शॉपिंग करने, ठीक है? साथ में ये है, ये आहो दूल्हे के साथ जो चमचा होता है, ये वो है हमारा, वो हमारे दूल्हा जी बैठे हुए। दूल्हा जी, हाँ, ये हमारे दूल्हा जी हैं। दूल्हा जी की शॉपिंग करने जा रहे हैं, हमने भी कुछ साथ में शॉपिंग कर ही लेंगे, ठीक है? तो अभी हम किधर जा रहे हैं? लाहौर पैनारोमा, सही? पैनारोमा जा रहे हैं, तो वहाँ पर जाके देखते हैं दूल्हा जी को कुछ पसंद आता भी है कि नहीं आता, तो देखते हैं। सो हमारे दूल्हा जी पीछे बैठे हुए। दूल्हा जी कैसे हैं, कैसा फील हो रहा है, आपकी शादी होने वाली है क्या? ये टेंशन वाली सारी उतर जाएगी, है ना? शेव शिव करानी है ना? क्लीन, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्या करवाना है? क्लीन, क्लीन है। दूल्हा जी एक्साइटेड ना पूरे मूड में, काका तेरे बच्चे देखेंगे फ्यूचर में। और क्या जनाब, जनाब दूल्हा जी हो रहे हैं तैयार, चेक कर रहे हैं अपनी शेरवानी। हाँ जी दूल्हा जी, कैसी लगी फीलिंग, क्या है वैसे आपकी शादी हो रही है? शुक्र करो हो तो रही है। हाँ मेरे पद में। तो आज अपडेट दे रहा हूँ बाइक का रूम, लास्ट टाइम आपने देखा था उसका, आज 4 दिन के बाद ये थोड़ी चीज देख ले, पूरा अभी सेटिंग यहाँ पे बेड वगैरह लगना, थोड़ी चीज देख ले, ठीक है? हालत मेरी फुल खराब हो गई है, देख सकते हैं आप, ठीक है? कमरा रेडी हो रहा है, तो कमरा रेडी होने के बाद आगे की वीडियोस भी आएंगी। एक ब्लॉग बनेगा ये स्पेशल भाई के रूम का, दूल्हा जी का रूम जो सेट हो रहा है उसके लिए, पर्दे वगैरह लगेंगे अभी। ये जो स्टार्टिंग में आपने सुना था ना, तेरे पद ने आग लगा दी, ये वो था। नहीं मैंने नहीं बोला, पूरा स्टार्टिंग में था, ठीक है? अभी पूरा सेट होगा, उसके बाद दिखाया जाएगा आपका। शुक्र मेला लगा रहे थे हम। हाँ देख लिया आपने इसको रिएक्शन में भी। तो अभी अदले करते हैं बंद, तो मिलेंगे अगले सीन में। चलो दूल्हा का रूम हो गया रेडी,
सो दूल्हे का रूम हो गया रेडी, क्लीन शीट डल गए हैं, मिस्टर क्लीन मास्टर, बिजली मास्टर, सब कुछ मास्टर, फहद वेला मास्टर, कदीर हमाम मास्टर, ओ पीछे किधर गया फैसल, इधर फैसल डॉन दूल्हा जी। अरे दूल्हा जी कैसी फीलिंग आपकी, तीन दिन के बाद मेहंदी है। और अजय हमारा मिस्टर कान कटा अल्लाह खैर करे भाई की शादी का पूरा रूम कर रेडी, शॉपिंग की वीडियो भी बनाई हुई है, मेरा चश्मा डिग रहा है, तो शॉपिंग की वीडियो भी बनाई हुई है, बस कार भी बनाई हुई है, बंद करें लाइट, पूरी बंद करो ना। अबे हाँ देखें जी दूल्हे का नीला नीला कमरा, पूरा रेडबुल सिस्टम बनाया, पूरा रेडबुल सिस्टम बनाया, पूरा गेमिंग सिस्टम बनाया इसका रूम में, कुछ गेम वगैरह कुछ वीडियो भी बनाए यहाँ पर। अगर दूल्हा जी ने रूम खाली कर दिया तो नहीं तो अभी आपने इसकी एक लाइट जला देना, टॉयलेट की लाइट जला दो, टॉयलेट का जो दीवार तोड़ी थी उसकी वीडियो भी देख ली, गाड़ी में जा रही थी शॉपिंग करने की वो भी देख ली थी। हाँ जो शॉपिंग हमने की थी वो नहीं दिखा सकते, वो आपको बारात वाले दिन ही दिखेगी, बस ये वीडियो बारात से एक दिन पहले अपलोड होगी। तो उसका रूम रेडी हो गया, अभी बस इसमें इसका बेड लगने वाला है, क्या क्या लगने वाला है, बेड लगना है, ड्रेसिंग टेबल लगना है, जिस इज वाची को ड्रेसिंग टेबल लगना है यहाँ पर, और कुछ श्रृंगार मेज, श्रृंगार मेज लगेगा यहाँ पर, वो मसहरी भी जो होती है, हाँ मसहरी भी लगनी है, तो मसहरी भी आपको दिखाई जाएगी, मसहरी और वो सब मेहंदी के रात का सिस्टम होगा, नहीं नहीं मेहंदी के बाद एक, हाँ मेहंदी के एक दिन के बाद, तो मतलब मेहंदी का सिस्टम होगा, फिर बारात का होगा, फिर वलीमे का होगा, और उसमें आपको मोस्टली ये नमूने दिखेंगे, और ये नमूना दिखेगा, ठीक है। तो मिलेंगे हमारे अगले सीन में, अगर सारे नमूने दूल्हा हमारा सबसे बड़ा नमूना, हाँ आज रात को भी एक मेहंदी है, अगर कोशिश करूंगा अगर कुछ मिल सका, कुछ रिकॉर्ड सीन कर सके तो लगाएंगे, बड़ा गंदा लग रहे हैं। हालत को इग्नोर करके बस इतना याद रखे कि आज हम लोग आए हुए सरबाला साहब की शॉपिंग करने दूल्हा जी के साथ, रफ लुक में नोमी जी ब्लॉग में देख लिया था आपने, और हमजा बाबा इसको बाबा जी कहते हैं। तो आज का ये लास्ट सीन आज की वीडियो का कॉल आ गई है। ओके तो लुक से तो आपको पता चल रहा है कि अभी तक ड्राफ्ट लुक चल रही है, ये वीडियो सिर्फ इसलिए थी कि आज का लास्ट सीन हो गया है, ठीक है, शॉपिंग वगैरह हो गई है, आपको सारी चीज़ें नहीं दिखाई जैसे हम लोग जलील हुए, जैसे हम लोगों ने शॉपिंग की, तो सारी चीज़ें तो नहीं दिखाई आपको, लेकिन मेहंदी बारात और वलीमे की थोड़ी थोड़ी वीडियो वो भी अपलोड करूँगा 5-6 मिनट, तो ज़रूर देखिएगा और दुआ में याद रखिएगा, और इसके लिए स्पेशल दुआ करिएगा, शादी हो रही है, कैद में कैद हो रहा है, ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह कैद तो हो रही है सबने, इसने भी होना है, इसने भी होना है, इन्होंने भी होना है, इन्होंने भी भरे हो के कैद ही होना है, ये जो बैठे हुए हैं बच्चे जी किधर के दूल्हा जी सरबाला जी, इन्होंने भी कैद ही होना है। गैस जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग आए हुए हैं दूल्हा जी का सामान लेने, अभी हमें 2 दिन हो गए, नींद भी नहीं पूरी हुई, सोए भी नहीं, और ट्रक में आए हुए हैं, ट्रक क्या है ये, वो कौन सा ट्रक है, और इसके अंदर फुल सामान है, हाँ ये देख ले दूल्हा जी का पूरा सामान, और हमारी हालत ख़राब, कपड़े गंदे, ट्रक के ऊपर बैठे हुए हैं, ऊपर से खुला है, मिट्टी गटरा, तो ऐसे है कि जैसे पूछे मत, गले ख़राब, आपको पता चल ही गया होगा, और हालत हमारी पूरी ख़राब है, जैसे कि आपको पता है कदीर साहब, ठीक है, और कैसे हो कदीर, हमारे जट किधर है, जट साहब सीनियर ड्राइवर के साथ बैठे, सीनियर ड्राइवर के साथ बैठे हुए, हालत रूल ब्रेकर की हालत ख़राब हो गई है बेचारे की, आरबी को इतना तंग किया हुआ है इन्होंने। वैसे यार मौसम फिर भी थोड़ा सही है, सुबह सुबह निकले थे 4 बजे, ठीक है, लाहौर से लेके शकरगढ़ तक का 2.5 घंटे का सफ़र है, सुबह 4 बजे निकले थे, अभी टाइम क्या हुआ, 7:30, और अभी तक हम लोग उससे कम से कम 1.5 घंटे की दूरी पे हैं, अगर अपनी गाड़ी होती 2.5 घंटे का सफ़र था, कोई नहीं पहुँच ही जाएँगे, पहुँचा नहीं पहुँचना हमने, पहुँच जाना, लेकिन हालत फुल ख़राब है, बैग सामान लेने के चक्कर में इधर बैठे हुए हैं, दूल्हा जी का जो सोफ़ा है वहाँ पर बैठे हुए हैं, और हालत फुल टाइट है, नींद पूरी नहीं हुई, सोते हैं तो टक हो जाता है और फिर उठ जाते हैं। ट्रक जब चलता है ना, अभी चलेगा तो वो भी आपको थोड़ा सा दिखाएंगे, और थोड़े से व्यूज के नज़ारे भी देंगे, सही। तो मिलते हैं हमारे अगले सीन में, इग्नोर करिएगा, मेहंदी के बाद सब सेट हो जाएगा दोस्तों।
जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी चल चुकी है दोबारा, ठीक है। और ये हालात है हमारे, ये हाँ ये कैमरे के हालात बहुत खराब हो रहे हैं, हम थोड़ा व्यू देख लें, ठीक है। और ये जो कैमरा हिल रहा है ना, तो आपको पता चल होगा कि हमारी क्या हालत हो रही है। हमारे तो जो खाया पिया था मतलब खुला दम है, भूख लगी है दोबारा, निकलते वक्त खाना खा के निकले, हाँ इस वक्त फिर भूख लग गई है, फिर भूख लग गई है। देखिए मोबाइल से पता भी चल रहा होगा। दूल्हाजी अभी तक घर में सो रहे हैं, आज दूल्हाजी अभी तक सो रहे हैं, और दूल्हे को पता कि हम लोग सामान भी लेके आ रहे हैं, सो रहे हैं अभी, क्या कर सकते हैं, करना पड़ेगा। अरे अमरूदों का बाग, ये जनाब अमरूद का बाग है ये वाला, हाँ ये वाला अमरूदों का बाग है, ताज़ा अमरूद मिलता है रोड के ऊपर ही, बिक रहे होते हैं नमक मिर्ची के साथ ऊपर नींबू डाल के। तो अभी जा रहे हैं हम लोग घर पे, बाकी सामान सूर चढ़ लूँगा, उसके बाद देखेंगे कि क्या बनाता हूँ दोबारा, ठीक है।